में आते रहें, मेरी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, खैरियत तबीयत से ठीक है। अज यार ना इतने बागर से बोले ना डीसीओ साहब आंदे पे, उन्होंने है इतने विजिट, तो इंशाल्लाह वो तुहानू असा सारी कवरेज दिसा कि सा डीसीओ साहब के आंदे, तो अगर तुहानू ये व्लॉग आ जाए पसंद तो साहब का फीडबैक जरूर देव कि आया कि तुहानू व्लॉग पसंद आया कि नहीं आया। तो ये थोड़ी स्कूल का विजिट ही तुहानू करा लवां, ये बागर स्कूल है, चेक करो बड़ा वीआईपी ग्राउंड है पिया, ये वाला जड़ा ना वो सामने बोर्ड भी लगो है, अंदर बड़ी सफाई का निजाम है, जबरदस्त सिस्टम है, चेक करो। अब जिनके बच्चे आगे चले गए हैं, उन्होंने आपको यहीं से पढ़ के गए हैं ना, तो आपका कर्ज है, आने वाली नस्ल का भी सोचना चाहिए। तो ये आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको हम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जब देखिए, जब आने वाले पैसे की यदि आप बेहतरी लाएंगे, गवर्नमेंट को नजर आएगा कि बेहतरी आ रही है, तो फिर ट्रांस भी बढ़ जाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि स्कूल काउंसिलों को फाल करें, डी सी पी जाएँ, प्रिंसिपल साहबान इंश्योर करें, इसका ये मतलब है कि हुकूमत का ये उनके जहन में ये है कि इसको इम्प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है, इम्प्रूवमेंट में जब आप अच्छा तमाम प्राइवेट मेंबर से रिक्वेस्ट होना है, एक स्टेक्स हैं इनका, एक है कि ये चाहते हैं कि स्कूल बेहतर हो। आप लोग जो हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, आपकी भी मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि बढ़ चढ़ कर इस मीटिंग में मसला है कि आप लोगों ने सारे जो हैं लोकल चीज़ें लगाई हुई हैं, पिलकन है, कचनार है, नीम है, सुखचैन है, ग्रीन भी लगाया हुआ है, नहीं है अंदर लगे हुए, वो सामने फरीदी भाई तुसा माशाल्लाह डीसी साहब नाल मैं वेखिया तुसा कोल बैठिया ते सारियां गल्लां बातें सुनिया, मैं थोड़ी मसरूफ हूँ ते टाइम दा नहीं पहुँच सकिया, तकरीबन मिनट दो मिनट मैं गल्लां सुनिया, ते तुसा सारा खुलासा दस दिओ डीसी साहब किवें आए, किस वजह तो विजिट कीता ने, ते तुहाडी कि मीटिंग आई ओही थोड़ी जिहे बारे वजा दस्सो। स्कूल काउंसल दा विजिट आई, अच्छा 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 रजिस्टर बने हर महीने इजलास होंदा, ਉਹ ਆਂ ਤੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਕੋ ਸੰਦਾਨ ਆ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ प्रैक्टिकल है या पेपर हो रहा है अच्छा अच्छा माशाल्लाह अज भी वरता एक मिनट सामने जंगल ही ने अच्छा करो जी थोड़ी सी साहब कर अच्छा जंगल का विजिट किया ने तो उस बाद चेक करके
ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮਤਮਨ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਿ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਰ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ